ढंग से कि यदि बच्चा पढ़ाई के प्रेशर में आता है, क्योंकि क्या है, हम कोई भी चीज जब करते रहते हैं तो एक उसमें थकान निर्माण होती है। मशीन को भी हम हफ्ते में एक दिन आराम देते हैं, जब हम जॉब पे जाते हैं तो हमको एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो एक दिन की छुट्टी इससे मिलती है, बाकी सब चीजों से मुक्त होकर आप आपका दिमाग उस समय रेस्ट करते। तो पढ़ाई के समय पे जब आपको पढ़ाई का 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ाई का प्रेशर आता है, तो दिमाग को कहीं ना कहीं रेस्ट करके, जो अभी बताया कि मित्र हो गए, परिवार हो गया, ये हो गया, इसमें अपना ध्यान कन्वर्ट करके हमारे दिमाग को हम रेस्ट दिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ताकि एक, क्योंकि हर चीज को आराम जरूर, आप क्या करते हो कि कंटिन्यू उसी में लगे, क्योंकि प्रेशर रहता है माँ बाप के भी, तेरे को मार्क्स देने मार्क्स देने मार्क्स देने, तो मार्क्स देने में जो उसका रेस्ट का समय रहता वो भी वही कहता। आप कोशिश करिए एक बार कि आप लगातार चलते जा रहे चलते जा रहे 10 घंटे चलते जा रहे, उसके बाद में आपकी स्पीड कम हो तो भी आप चलते जा रहे तो और स्पीड कम हो, तो एक समय ऐसा आता है कि आप थक के बैठ जाते। वही आपने यदि 4 घंटे चलने के बाद में यदि आधे घंटे का ब्रेक आप ले लेते, एक रेस्ट कर लेते, तो उस बात के वापस 4 घंटे आपको एनर्जी मिल जाती, फिर आधे घंटा लेके फिर आपको एनर्जी मिल जाती, ऐसे आप 12 घंटे लगातार चल सकते हो और ये चलने में आप 6 घंटे में थक जाएंगे। तो दिमाग को रेस्ट जरूरी, उस रेस्ट के लिए ड्रग्स ये सॉल्यूशन नहीं है, पब ये सॉल्यूशन नहीं है, एंजॉय ये सॉल्यूशन, ये टेम्पररी आपको क्षणिक रूप से शांति देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपको शांति चाहिए, मेडिटेशन के माध्यम से, दोस्तों के साथ में समय बिता के, परिवार के समय साथ में बिताए, परिवार और से भी निवेदन है कि जब वो आपके साथ में समय बिताना चाहता है तो उसको आप वो समय दीजिए, क्योंकि वो अपने दिमाग को फ्री करना, यदि आप उस समय भी उसको कहेंगे जाके कमरे में पढ़ाई कर, तो निश्चित रूप से वो ड्रग के तरफ जाने की कोशिश करेगा, नहीं पब में जाएगा, घर में बैठ कर लेकर। इन चीजों से बचने के लिए परिवार में पेरेंट्स को और दोस्तों को और शिक्षा संस्था तीनों को बहुत ज्यादा इसमें आपस में सामंजस्य रखना है कि इसको हर 4 घंटे के बाद में उसको रेस्ट चाहिए दिमाग को। यदि ये रेस्ट दिमाग को शरीर को मिले तो निश्चित रूप से आपको ड्रग्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और ड्रग्स के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसके पीछे के कारण कि युवा वर्ग वहां पे क्यों जा रहा, इसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, और उस कारणों को यदि दूर करे तो कोई पब की ओर आक्रोश भी नहीं होगा।